हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। तो बच्चों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि माय नेम इज उज्ज्वला पुंज एंड आई एम हियर टुडे बिकॉज ऑफ अ वेरी 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 स्पेशल रीजन। एंड वो रीजन आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे इसको देखकर खुश भी हो गए होंगे, है ना। एंड उनको हल्का सा आइडिया लग गया होगा कि मैम किस बारे में बात करने आई है। और अगर किसी को भी आइडिया नहीं लगा है, वैसे आई नो ऑल माई चिल्ड्रन आर प्रीटी स्मार्ट, तो बच्चों मैं सबको बता देती हूँ कि टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट द क्लासेस दैट आर गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन दिस चैनल। सो यस, हिप हिप हुर्रे, है ना, वो वाली चीज है। बिकॉज आई नो दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी एवर सिंस वी ओपन दिस चैनल कि मैम ह्यूमैनिटीज़ की वीडियोस कब आने वाली हैं, कब आने वाली हैं। 11th क्लास में हम लोग चले गए हैं एंड हमें आपसे पढ़ना है। तो मुझे पता है बच्चों कि आप लोग जितना एक्साइटेड हो, जितना आप डिमांड कर रहे हो, जितना रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कभी भी मत सोचना कि मैम आपकी बातों को सुन नहीं रही हैं या पढ़ नहीं रही हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाती हूँ ना, जो लोगों की तरफ आंसरेबल होती है, आपकी उज्ज्वला मैम भी उसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह है, who would always be responsive and answerable to the demands that you do. I have been reading each and every single DM that I have received on my Instagram. I have been reading each and every comment that I have received on my different videos. And today I am with this very special announcement, very special session, wherein I'll be telling you ki from when our classes are gonna begin and what would be the pattern that we are gonna follow. हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और उसी के साथ एक थोड़ा सा स्पेशल एलिमेंट मैं आपको दूंगी बच्चों, जहां पर आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट थोड़े बहुत करियर ऑप्शंस जो कि हमारे सब्जेक्ट्स के आगे आप लोग जिनमें जा सकते हो या कर सकते हो। अभी तो वैसे आई नो कि मेनी ऑफ यू चिल्ड्रन, मतलब आपका इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आया है कि मैम वी हैव चोजन ह्यूमैनिटीज, बट नाउ हाउ टू गो अबाउट इट। एंड बच्चों द थिंग इज, बिकॉज being a humanities student I have faced this thing in my life that हमेशा humanities को एक तरीके से उतनी अच्छी कोचिंग, उतनी अच्छी क्लासेस नहीं मिलती हैं जितनी दूसरे स्ट्रीम्स के बच्चों को मिलती हैं। और हम ह्यूमैनिटीज वाले कहीं ना कहीं इस चीज़ को ढूंढते रह जाते हैं कि कहीं तो कोई तो ऐसे टीचर्स हमको मिल जाएं जहां पर हमको अच्छे से पढ़ाया जाए, चीज़ों को समझाया जाए। बिकॉज बच्चों लोग ना हल्के में लेते हैं हमारे सब्जेक्ट्स को, बट मैं बिल्कुल हल्के में नहीं लेती हूँ। बिकॉज आई अंडरस्टैंड, आई कम फ्रॉम दिस, है ना। तो तभी मुझे अच्छे से पता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में होकर। लेकिन नॉट एनी मोर किड्स, बिकॉज टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस चैनल। क्या फ्यूचर रहेगा इस चैनल का। सो ऑब्वियसली ह्यूमैनिटीज की बड़ी बड़ी सी हेडिंग आप लोगों ने पढ़ ली है, बट लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड थीम, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक की मैम क्लासेस कब से आ रही हैं। डू टेल अस, राइट। सो यस, so बच्चों classes are starting from this coming week. Yes, you don't have to wait anymore. You don't have to look out for material because from this coming week we are going to be starting our classes which are going to take place every Tuesday and Thursday. तो हर ट्यूसडे और हर थर्सडे हमारी क्लास आने वाली है जो कि आपके ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के लिए आएगी। कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले शुरू करने वाले हैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। बट नॉट जस्ट क्लासेस, ओके बच्चों, नॉट जस्ट क्लासेस। अगर आप सोचो कि सिर्फ क्लासेस आएंगी तो नहीं, क्लासेस के साथ साथ शॉर्ट्स और शॉर्ट वीडियोस फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। ओके, सो यस, आप लोगों के साथ मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ बताते हुए। बट हाँ जी, तो हमारी क्लासेस तो आएंगी ही आएंगी, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों आपके सामने आएंगी, जिसके अंदर बहुत अच्छे से हम कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे और आप समझोगे भी, ठीक है। तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करते रहना, बिकॉज एक टीचर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। प्लस विद दैट शॉर्ट्स की जब मैं बात करती हूँ बच्चों, तो शॉर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें फन जो हमारा करते हैं हम लोग, वो फन वाली शॉर्ट्स भी आएंगी, बीच बीच में ऐसी शॉर्ट्स भी आएंगी जिसमें आपको एक बहुत बड़ा टॉपिक थोड़े से चुन्नू से टाइम में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और जो दूसरी चीज़ है शॉर्ट वीडियोस की, बच्चों शॉर्ट वीडियोस फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको हम 1 या 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसके लिए मतलब एक क्विक रिविजन के लिए, एक बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसी शॉर्ट वीडियोस भी आती रहेंगी आप लोगों के पास। सो दिस इज द प्लेस वेर यू हैव टू बी। विद दैट नोट, यहाँ पर देखिए, सो आप सोच रहे हो क्लासेस, बट हम ह्यूमैनिटीज के अंदर कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। सो वी आर गोना बी स्टार्टिंग विद पॉलिटिकल साइंस, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बिकॉज जैसे कि आप लोग जानते हो बच्चों कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एंड माई मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, सो आई विल बी स्टार्टिंग विद पॉलिटिकल साइंस। मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे पता है कि मेरी क्लास के बच्चे ट्यूशन कोचिंग ढूंढते रहते थे पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन उनको कहीं नहीं मिलती थी। दिस इज लाइक अ मेजर प्रॉब्लम विद पॉलिटिकल साइंस कि देयर इज नो वन टू टीच पॉलिटिकल साइंस। मुझे समझ नहीं आता है क्योंकि 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस इज़ अ डिफरेंट थिंग। अभी तक आप बचपन से सिविक्स बहुत पढ़ते हुए आए हो, लेकिन जब आप 11th में जाते हो तो आप एक नए सिरे से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ोगे, या सिविक्स को, पॉलिटिकल साइंस उसी को बोलते हैं ना, तो उसको एक नए सिरे से पढ़ते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स दैट यू आर गोना बी लर्निंग एंड इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बोलूँ कि बिल्कुल आसान है तो वैसा भी नहीं है, चीज़ें जब समझ आ जाएंगी तो आसान अपने आप लगने लग जाएंगी। तो उसी के साथ हम पॉलिटिकल साइंस के साथ शुरू करेंगे। ट्यूसडे आपकी पहली क्लास आएगी, लेकिन यहाँ पर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं हमारा सारा का सारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। चलो देखो बच्चों, आपका जो एग्ज़ाम है 80 नंबर का आएगा। 80 नंबर के एग्जाम के अंदर 40 नंबर आपकी एक किताब से आएंगे। 40 नंबर का जो पेपर है वो एक किताब से आएगा, और फर्स्ट आपकी बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो मैम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम पे चली जाएगी क्या? तो बच्चों इस पर्टिकुलर बुक के अंदर, मतलब इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। आप इस बुक के अंदर ना बहुत सारी चीजें सीखोगे, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक चीज पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वी नो इट इज द सुप्रीम लॉ, वी नो कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग जो हमारी, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी संविधान के ऊपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो कोई भी नहीं है। ठीक है, इतनी चीज हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबके पापा हैं। बट बच्चों ये जो पापा हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो हमारी तीन ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, उसको डिस्कस करेंगे। फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट्स, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर बहुत कंपैरिजन भी होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वर्ल्ड के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस में, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फीचर्स हैं वो कहाँ से हमने बोरो करे हैं। हमारा लेजिस्लेचर, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बचपन में हम पार्लियामेंट वगैरह के बारे में बातें करते आए हैं, एग्जीक्यूटिव को भी थोड़ा बहुत समझाया हम लोगों ने, लेकिन अब हर चीज़ डिटेल में समझनी होगी। और एक बहुत ही मज़ेदार सी आपकी ये किताब है, बहुत मज़ा आएगा मुझे भी पढ़ाते हुए और आपको भी पढ़ते हुए। तो पहले बच्चों मैं इसी किताब के चैप्टर के साथ आऊँगी ट्यूसडे को। फिर अगर हम अपनी यहाँ पर बात करते हैं दूसरी किताब की, तो दूसरी किताब को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के करियर ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की जब हम करियर ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो देखो देयर आर अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस। अब मैम आप तो टीचर हो, तो यस टीचिंग इज ऑल्सो करियर ऑप्शन। आप लोग बच्चों पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी होता है। इन सब सब्जेक्ट्स को आप एक, मतलब इनमें भी मेजर कर सकते हो, मास्टर्स वगैरह कर सकते हो, आगे पढ़ाई के लिए जा सकते हो, प्रोफेसर वगैरह बन सकते हो, नेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो वो हाई लेवल टीचर्स की भी बात हो रही है, स्कूल लेवल टीचर्स की भी बात हो रही है। सो यू कैन गो अहेड विद दैट। टीचिंग इज डेफिनेटली, मैं सबसे पहले टीचिंग की बात कर रही हूँ, सो टीचिंग इज डेफिनेटली अ करियर विद दैट। और उसी के साथ बच्चों यहाँ पे सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज की मैं बात करूँ तो हाँ जी, आपका यूपीएससी का एग्जाम है। यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, अब मैम वो तो कोई भी दे सकता है, साइंस वाला बंदा भी दे सकता है, कॉमर्स वाला भी दे सकता है, तो फिर बट बच्चों यू हैव एन एज। ओके, सो ऑल ऑफ यू हु हैव टेकन अप ह्यूमैनिटीज, यू गाइज हैव एन एज ओवर दोज पीपल, क्योंकि आप जो अपनी पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें पढ़ोगे, ये सब चीज़ें ही तो सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो आपकी तैयारी अभी से ही हो रही है, बिना तैयारी करे भी अभी से ही तैयारी होगी। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है सिविल सर्विसेज। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सब बन सकते हो आप। यू कैन डू एनीथिंग, आई बिलीव यू। पॉलिसी एनालिस्ट कौन होता है? तो बच्चों जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज निकालती है, बट ये एक जॉब है जो बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, उस पॉलिसी को एक तरीके से उसकी तुलना करना कि क्या वो पॉलिसी बेनिफिशियल रहेगी लोगों के लिए, उसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, रिव्यू करने वाली जो चीज़ आती है, वो करियर होता है पॉलिसी एनालिस्ट करने वाले का। ठीक है, फिर आता है इंटेलिजेंस एजेंसी। अब बच्चों सीबीआई वगैरह के अंदर जाना है तो एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं गवर्नमेंट, लेकिन आपकी तैयारी जो है ह्यूमैनिटीज लेके होती है साथ ही साथ। आगे अगर हम चलें तो हाँ जी, लॉ। बहुत से बच्चे होंगे जिनको ह्यूमैनिटीज लेके लॉ करना होगा, और बच्चों ट्रस्ट मी, लाइक ह्यूमैनिटीज के अंदर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे बैचमेट्स हैं हु वेंट अहेड एंड डिड लॉ। उसका एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आई गेस 5 साल का, तो बहुत से लोगों ने वो करा है, जहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाती है और लॉ भी हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ आई थिंक 6 years 5 साल का वो कोर्स होता है। इट्स अ नाइस कोर्स। आपको अगर आगे जाकर मूवीज भी देखते होगे है ना, लॉ वगैरह वाली, तो बन सकते हो, बन सकते हो, लॉ की फील्ड में भी जा सकते हो, जर्नलिज्म भी कर सकते हो। सो इन सब के लिए एक्चुअली ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड बेस्ट रहता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और टीचिंग तो हाँ, वो तो हमारा फेवरेट है ना। चलो, तो इसी के साथ बच्चों हमारी जो दूसरी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसको हम बाद में शुरू करेंगे, तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे। वो बुक की वेटेज भी 40 मार्क्स की है, जिसके अंदर लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब कंसेप्ट्स को आपको पढ़ाया जाएगा। कौन से पॉलिटिकल थिंकर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट के डेप्थ में हम लोग जाके एनालाइज करेंगे। सो ऑल ऑफ दैट वुड ऑल्सो बी टॉट। लेकिन फिलहाल अभी पॉलिटिक्स से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे बच्चों हम एक्सपैंड करेंगे। और आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि क्या आप लोग एक तो क्लासेस के लिए एक्साइटेड हो, क्या आप इस न्यूज़ से खुश हो, ठीक है, क्या आप क्लासेस को एकदम टाइम पर अटेंड करोगे। और हाँ, टाइम की तो बात ही नहीं करी। हाँ, तो टाइम की बात कर लेते हैं। तो बच्चों हमारा टाइम रहेगा शाम के 6 बजे, और मुझे लगता है कि शाम के 6 बजे परफेक्ट टाइम है। बच्चा जो है ना उस टाइम पे काफ़ी एक्टिव, एक बढ़िया मूड में होता है कि अब चलो आओ, ले आओ किताबों को, पढ़ाई कर लेते हैं। तो 6 बजे हमारा टाइम काफ़ी फ्रेश होता है, तो उस टाइम पे हम अपनी क्लास को लेकर आएंगे। और उसी के साथ साथ, चलो टाइम हो गया, तो कमेंट्स में लिखकर बताना। और हाँ, किस टॉपिक में दिक्कत आती है, कौन सी चीज़ डिफिकल्ट लगती है, वो सब भी बताइए बच्चों। एंड अभी शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे वी विल बी एक्सपैंडिंग दिस, ठीक है। सो उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लेना। यहाँ पर मैं बैठी हूँ, पूरी टीम बैठी है बच्चों, जो कि सिर्फ आपके लिए ही कंटेंट लाना चाहती है। सो टेक केयर, विल सी यू ऑल इन द क्लासेस एंड बाय बाय।